आप लोगों ने देखा होगा और कुछ दिनों से सुन भी रहे होंगे आप लोग कि हमारी स्थिति पाकिस्तान से और आपका जो पड़ोसी बांग्लादेश है इससे भी बुरी स्थिति में हम लोग अर्थव्यवस्था के मामले में जा रहे हैं, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में गिरावट काफी देखी जा रही है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट अगर सरकार को जिम्मेदार ठहरा दें पूरी तरह से तो ये भी संभव नहीं है, और आप पूरी तरह से अगर कोरोना महामारी को जिम्मेदार ठहरा दें तो ये भी पूरी तरह से संभव नहीं है। आपने देखा है कुछ समय पहले आपकी वित्त मंत्री साहब का बयान भी आया हुआ था, उन्होंने कहा कि भगवान इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये कह देना एक तरह से आप कहिए पढ़े लिखे और वित्त मंत्री साहब के मुंह से तो मुझे नहीं लगता है कि अच्छा रहेगा। इसके लिए कुछ आपकी नीतियां भी जिम्मेदार हैं सरकारी की रही हैं, वो कुछ आप मानिए या ना मानिए कोरोना महामारी भी इसके लिए जिम्मेदार रही है। तो दोनों की एक तरह से आप कह सकते हैं कि वही कि जितनी कसर रह गई थी अर्थव्यवस्था के गिरने में वो पूरी किसने कर दी है, कोरोना महामारी ने। अर्थव्यवस्था तो पहले से ही आप लोग देख रहे हैं कि गिरती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसमें जो कमी छूटी हुई थी वो आपकी कोरोना महामारी ने कर दी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वर्ष तकरीबन 10.3% संकुचन हो सकता है। कितना? 10.3% संकुचन हो सकता है। हालांकि अर्थव्यवस्थाओं में संकुचन की अपेक्षा यह तथ्य नीति निर्माताओं के लिए निश्चिंताजनक है कि वर्ष 2020 में एक औसत बांग्लादेशी नागरिक की प्रति व्यक्ति आय एक औसत भारतीय नागरिक की औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक होगी। कहने का मतलब है कि एक नागरिक की जो हमारी औसत आय है, समझ रहे हैं, वो हमारी जो पड़ोसी है बांग्लादेश, इससे यहाँ के एक नागरिक से कम होगी, यानी कि हमसे अच्छी स्थिति में आप कहिए कि बांग्लादेश है। ठीक है, वैसे आपके अंतर्राष्ट्रीय जो भी संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, उनके बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं, तो फिर भी अगर कोई छूटा हुआ हो तो मुझे बताइए, वो भी कवर करवा दूंगा। ठीक है, महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें डले हुए हैं। अभी एक सामान्य जानकारी के लिए बता देता हूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, IMF जिसे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं। तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन DC में देखने को मिलेगा, USA में। ठीक है, क्या बताते हैं आखिर आखिर, विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बताता है कि इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में महामारी के प्रभाव के कारण तकरीबन 10.3% की कमी हो सकती है, जबकि इससे पूर्व जून माह में जारी अपनी रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा था कि इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में केवल 4.5% का ही संकुचन होगा। हालिया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था में तकरीबन 4.4% के संकुचन का अनुमान है, जबकि इससे पूर्व जून माह में यह मात्र 0.8% था। यानी कि आप समझ सकते हैं जून से अभी तक ये इतनी बुरी तरह से प्रभावित देखा जा रहा है अर्थव्यवस्था को। याद रहे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.5% के संकुचन का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक के बारे में भी कुछ जानकारी दे देता हूं आप लोगों को। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन DC में देखने को मिलेगा, USA में। ठीक है, याद रखिए। और एक बात और याद रखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक, क्योंकि ये भी कई बार क्वेश्चन से डायरेक्ट बन जाता है। ठीक है, भारत बांग्लादेश की तुलना अगर करें हम लोग, तो रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष भारत की प्रति व्यक्ति GDP यानी कि 1,876.53 डॉलर रह सकती है, जो कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय यानी कि GDP 1,887.97 यानी कि 97 डॉलर से कम है। यानी कि कहने का मतलब है कि बांग्लादेश में क्या देखने को मिलेगी, प्रति व्यक्ति आय 1,887.97 डॉलर। ठीक है, और भारत में 1,876.53 डॉलर देखने को मिलेगी। वही वर्ष 2020 में चीन की प्रति व्यक्ति आय आपको GDP का देखने को मिलेगी 10,839.43 डॉलर रहने का अनुमान है। आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन हमसे कितने आगे है, कि हमारा 1,876 यहां देखिए हम लोगों से कई गुना आगे है। इसमें कोई आप लोग कहिए दो राय नहीं है कि चीन काफी हमसे आगे निकलता जा रहा है। कुछ दिनों में तो कहा जा रहा है कि वो भले हम लोग चाइना को जनसंख्या में पीछे छोड़ दें, लेकिन चाइना कुछ समय के बाद आपका GDP के मामले में नंबर वन पर पहुंच जाएगा, अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। तो आप समझ सकते हैं कि 10,839
डॉलर और 1876 डॉलर। इसका अंतर आप लोग करके देखिए, बैठ के आप लोग जोड़ते रहिए, आपको पता चल जाएगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ही आंकड़े बताते हैं कि बीते 5 वर्ष के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी बांग्लादेश की तुलना में औसतन 24% अधिक रही है। इससे पहले आपकी स्थिति बांग्लादेश से काफी आगे थी। भारत के इन पड़ोसियों में नेपाल और श्रीलंका की प्रति व्यक्ति जीडीपी क्रमशः 1115.56 डॉलर और 369.4 डॉलर अनुमानित है। किसकी बता रहा हूँ? नेपाल और श्रीलंका की। तो इसमें कोई एक तरह से चौंकने वाली बात भी नहीं है, ठीक है। कारणों की बात करें तो आमतौर पर दो देशों की तुलना करने के लिए जीडीपी वृद्धि दर अथवा संपूर्ण जीडीपी जैसे मानक प्रयोग किए जाते हैं। दोनों देशों जैसे भारत बांग्लादेश के आजाद होने के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रयास सदैव बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था से बेहतर रहा है। आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था आजादी के बाद से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के आकार से औसतन 10 गुना अधिक रही है और प्रति वर्ष इसमें बढ़ोतरी भी होती रही है। अभी तक इसके बावजूद भी इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में बांग्लादेश से पीछे हो गई। इसके मुख्यतः 3 कारण हो सकते हैं, यानी कि हमारी स्थिति बांग्लादेश से बहुत पीछे चली गई है। तो इसका कारण क्या है आखिर? तो सर्वप्रथम तो यह है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2004 के बाद से ही काफी तेज गति से विकास कर रही है। हालांकि इसके बावजूद भी भारत और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में तुलनात्मक रूप से कोई विशिष्ट परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास गति बांग्लादेश से भी तेज रही है। किंतु वर्ष 2017 से इस स्थिति में परिवर्तन आने लगा और इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट आई, किंतु बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि जारी रही, जिसका परिणाम इस रूप में सामने देखने को आपको मिल रहा है। अब कई लोग कहते हैं कि जीएसटी 2017 में लागू हुआ उसके कारण हुआ है, तो कई लोग कहते हैं कि इस पर कहने लगते हैं कि जीएसटी गलत थोड़ी है। तो याद रखिए, जीएसटी कोई गलत चीज नहीं है, ये जिस तरह से लागू कर रहे हैं ये गलत है आपका। समझ रहे हैं आप लोग कि घर से निकलना, आप लोगों को कहीं जाना है, सफर पर निकलना है, तो निकलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बीच में आप किस तरह से जा रहे हैं। हो सकता है कि आप रणनीति ना बनाए, कोई अच्छा साधन ना, पैदल निकल पड़े, तो ये गलत है, ठीक है। दूसरा कारण है कि बीते 15 वर्ष में जहां एक ओर भारत की आबादी 21% की दर से बढ़ी, वहीं बांग्लादेश की आबादी 18% की दर से बढ़ोतरी हुई है। और किसी देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी को उस देश आबादी काफी अधिक प्रभावित करती है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच महामारी की शुरुआत से पूर्व भी प्रति व्यक्ति का जीडीपी का अंतर काफी कम हो गया था। इस घटना का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारक कोरोना वायरस महामारी और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर उसके सापेक्ष प्रभाव को माना जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के ही आंकड़ों के अनुसार जहां एक ओर महामारी के प्रभाव के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.3% का संकुचन होगा, वहीं बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में 3.8% की दर से बढ़ोतरी होगी। आप समझ सकते हैं कि हमें मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट में जा रहा है और हम नेगेटिव में जा रहे हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारत महामारी के कारण सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है, वहीं बांग्लादेश महामारी के दौरान आर्थिक मोर्चे पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है। यानी कि बांग्लादेश पर एक तरह से आप कहिए कि प्रभाव तो पड़ा है लेकिन ठीक स्थिति में है। पहले भी हुआ है यह। वर्ष 1991 में जब भारत एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा था और भारतीय अर्थव्यवस्था में केवल 1% की दर से वृद्धि हो रही थी, तब भी बांग्लादेश प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में भारत से आगे निकल गया था। हालांकि इसके बाद भारत ने पुनः अपनी बढ़त प्राप्त कर ली थी। तो ये 1991 की बात है। कुछ इस प्रकार की स्थिति एक बार फिर देखने को मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2020-21 में 21-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास होगा और भारत प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में पुनः आगे निकल जाएगा। हालांकि बांग्लादेश की कम जनसंख्या, वृद्धि दर और अधिक आर्थिक विकास के कारण प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में दोनों देशों के बीच का अंतर काफी अस्थिर रह सकता है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि के कारण क्या है। तो याद ज्ञात हो कि पाकिस्तान के साथ अपनी स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में बांग्लादेश ने काफी धीमी गति से विकास किया था। हालांकि पाकिस्तान से अलग होने के कारण बांग्लादेश को अपनी राजनीतिक और आर्थिक नीतियों को पुनः परिभाषित करने का अवसर मिला, जिसका फायदा उठाते हुए बांग्लादेश ने अपने नियम कानूनों का को और अधिक विकास अनुकूल बनाया। आप जानते हैं 1971 के जो हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान भारत का, उसी में एक नया देश बना था बांग्लादेश। उदाहरण के लिए उस समय बांग्लादेश के श्रम बल में महिलाओं की भूमिका अनवरत बढ़ रही थी, जिसे देखते हुए बांग्लादेश ने अपने श्रम कानूनों को महिलाओं के अनुकूल बनाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि महिला
श्रम बल से ने बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग को वैश्विक बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका बढ़त दिला दी। बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक ऐसे स्वरूप में बदलने का प्रयास किया जहां आर्थिक विकास औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र पर निर्भर था। ये दोनों ही क्षेत्र रोजगार का सृजन करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और साथ ही इनमें कृषि क्षेत्र की तुलना में पारिश्रमिक भी अधिक होता है। वहीं दूसरी ओर भारत अपने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष कर रहा था और अभी भी अधिकांश जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर थी हमारे भारत में, और अभी भी आपको देखने को मिलती है। बीते 2 दशक में बांग्लादेश के आर्थिक विकास का एक अन्य कारण यह भी है कि इसने स्वास्थ्य, स्वच्छता और वित्तीय समावेशन और महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे कई सामाजिक और राजनीतिक मामलों में काफी सुधार भी किए हैं। आप समझिए कि आधी से अधिक मतलब जनसंख्या में महिलाएं हैं, और आप सोचिए अर्थव्यवस्था में अगर महिलाओं की स्थिति, महिलाओं को जोड़ा जाए तो उनका भी ये योगदान हो सकता है। तो ये काम किसने किए? बांग्लादेश ने। उदाहरण के लिए बांग्लादेश में असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण मातृत्व मृत्यु दर होने वाली बढ़ोतरी भारत की तुलना में काफी कम भी है। वित्तीय समावेशन की बात करें तो विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जहां बांग्लादेश की एक छोटी से आबादी के पास ही बैंक खाते हैं, वहीं भारत की तुलना में निष्क्रिय खातों की संख्या काफी कम है। लैंगिक समानता के मामले में भी भारत बांग्लादेश भारत से काफी आगे है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में भारत 154 देशों में 112वें स्थान पर है, जबकि इस सूचकांक में बांग्लादेश 50वें स्थान पर है। तो कई मामलों में आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश हमसे आगे दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की चुनौतियों। अगर देख लें तो बीते 15 वर्ष में वैश्विक पटल पर बांग्लादेश की स्थिति में काफी बदलाव आया है। इसने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है और अपने देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की है। हालांकि बांग्लादेश की प्रगति अभी भी अनिश्चितताओं से भरी पड़ी है और कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश में देश में गरीबी की दर भारत की तुलना में काफी अधिक है। विश्व बैंक के अनुसार अल्पावधि में बांग्लादेश की गरीबी में वृद्धि होने का अनुमान है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव वहां के दैनिक और स्वनियोजित श्रमिकों पर देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा यह बुनियादी शिक्षा के मामले में भी भारत से काफी पीछे है, जो मानव विकास सूचकांक में इसकी कव रैंकिंग से स्पष्ट है। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग, जो कि विकास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, अपने लचीले श्रम कानून के लिए काफी प्रसिद्ध है और खराब स्वास्थ्य परिस्थितियों के कारण श्रमिकों के स्वास्थ्य पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और कई जानकार बांग्लादेश के आर्थिक विकास के लिए यहाँ की राजनीति को एक बड़ा खतरा मानते हैं। यहाँ के प्रमुख राजनीतिक दलों में नियमित रूप से हिंसा और उत्पीड़न के आरोप लगते रहते हैं और आम लोगों के जीवन में कदम कदम पर भ्रष्टाचार है। इसके अलावा कट्टरपंथी धार्मिक विचार भी बांग्लादेश के आर्थिक और सामाजिक विकास को काफी प्रभावित कर रहा है। आगे की राय क्या हो सकती है, इसे भी देख लीजिए। यद्यपि प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में बांग्लादेश की बढ़त एक अल्पकालिक घटना हो सकती है, किंतु भारत को अपनी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ सामाजिक आर्थिक नवाचार पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस संबंध में बांग्लादेश की नीतियों से भी सीख ली जा सकती है, यानी कि कहने का मतलब है कि बांग्लादेश से भी आप लोग सीख ले सकते हैं। तो यही कहानी थी आपकी, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है।